अनीता हसनंदानी की प्रेगनेंसी का ऐलान करते हुए ट्रोलर्स ने किए भद्दे कमेंट। पति रोहित रेड्डी ने दिया मुंह तोड़ जवाब। आखिर क्या कहा रोहित ने, चलिए जानते हैं। टीवी स्टार अनीता हसनंदानी ने बीते समय ही अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। काफी लंबे वक्त से एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाएं चल रही थी। हालांकि अनीता हसनंदानी और उनके पति रोहित रेड्डी ने हमेशा ही इन खबरों को महज एक अफवाह बताया, मगर बीते दिन जैसे ही अनीता हसनंदानी और रोहित रेड्डी ने एक प्यारा सा वीडियो शेयर कर इस बात का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। लोग जमकर एक्ट्रेस को बधाई देने लगे। टीवी इंडस्ट्री में कई सितारे भी अनीता हसनंदानी और रोहित रेड्डी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस बात की खुशी नहीं बल्कि इस पर अफसोस है। जी हाँ, इंटरनेट यूजर ने अनीता हसनंदानी की प्रेगनेंसी को लेकर बेहद घटिया कमेंट कर दिया है। फोटो जर्नलिस्ट विरल भयानी ने इस ब्यूटीफुल कपल को जब बधाई देते हुए पोस्ट शेयर की तो एक ट्रोलर ने लिखा, क्या फायदा, आप 50 साल की ही होगी जब आपका बच्चा 11 साल का होगा, उसे अपनी दादी के साथ चलने में शर्म आएगी। जैसे ही इस ट्रोलर ने ये घटिया कमेंट किया, इसके बाद कई लोगों ने एक्ट्रेस की सपोर्ट में आकर ट्रोलर्स को सुनाया। इस कमेंट पर रिएक्ट करने से अनीता हसनंदानी के पति रोहित रेड्डी भी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने इस बात का करारा जवाब देते हुए लिखा, गणित ठीक रखने के लिए आप खड़े होकर तालियों के हकदार हैं, लेकिन जिस बात पर आपने गौर नहीं किया वो ये है कि उसने 20 साल अपनी एड़िया घिसकर अपना करियर बनाया है और बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखने की तैयारी की। इस हिसाब से 50 साल की उम्र में भी चिंता नहीं करनी होगी। रोहित रेड्डी के इस करारे जवाब के बाद कई लोगों ने उल्टा ट्रोलर की ही क्लास लगानी शुरू कर दी। इस महिला ट्रोलर को जवाब देते हुए लोगों ने कहा, आप इस समाज के परफेक्ट एग्जांपल हो। एक दूसरे इंटरनेट यूजर ने लिखा, मैं वाकई हैरान हूँ कि आप जैसे लोग अभी भी होते हैं। मेरी दादी माँ की सोच तो इससे भी कहीं बेहतर है, तो किसी ने उनकी सोच पर शर्मिंदा होने की सलाह दी। बता दे, टीवी स्टार अनीता हसनंदानी 39 ईयर्स की है। वो करीब 20 साल से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। अनीता हसनंदानी ने कई टीवी सीरियल्स में काम भी किए। इसी के बाद अनीता हसनंदानी ने बॉलीवुड फिल्मों में भी अपना जलवा दिखाया है। अनीता हसनंदानी रोहित रेड्डी की लव मैरिज हुई थी। दोनों ने साल 2013 में एक दूसरे से शादी रचाई। वेल, रोहित रेड्डी की बातों से आप कितने सहमत हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।